पड़ाव को लेकर फिरोजाबाद शहर में आज तीसरे दिन सर्वप्रथम जिला महिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के दीक्षित द्वारा चिकित्सालय परिसर एवं आसपास के नवजात बालिकाओं का जन्मदिवस मनाया गया एवं सभी बालकों पर वीडियो MOIC एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर अभियान एवं गोष्ठी का आयोजन कर जन जन तक बेटा और बेटी के खर्च को खत्म करने के लिए प्रचार प्रसार किया गया। वहीं जसराना एवं सुखाबाद ब्लॉक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान केवल हस्ताक्षर अभियान तक ही सिमट गया। रोजावास से स्वराज सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। शहर में तो लोग अपनी बिटियाओं को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं, दिल्ली होकर भेज देते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी कुछ ऐसे बुजुर्ग बंधु हमारे जो बेटी को शहर में पढ़ने के लिए भेजने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सोच बदली है, बहुत से महिलाएँ बहुत सी बिटियाँ शहर में आती हैं, शिक्षा ग्रहण करके गाँव में वापस जाती हैं, साइकिल से जाती है, पैदल भी जाती है और तो चली जाती है। तो जब बिटिया हमारी पढ़ करके समझदार हो जाएंगी तो निश्चित रूप से आप मानिए हमारा समाज, हमारा देश, हमारा प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर होगा, निश्चित रूप से होगा। और इसी के तहत आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें जो भी बच्चे कल पैदा हुए हैं उन सब की देखभाल के लिए हमने बेबी के उनके परिवार वालों को वितरित किया है और यहाँ गोष्ठी करके सभी लोगों को ये बच्चे के बारे में ये सब बताया गया है कि बच्ची और बच्चा एक समाज है, उनके साथ भेदभाव न किया। काफ़ी लोग आए हुए हैं, हमारे सब SKMOs हैं और ये CMS मैडम हैं, और हमने करीब अब तक ये 20 करीब बच्चों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, अभी बच्चे और आएंगे तो उनको भी दिया जाए। सर क्वार्टर के हिसाब से प्रोग्राम कल का था, आज क्यों किया जा रहा है? नहीं, ये पूरा एक हफ्ते का प्रोग्राम है, एक हफ्ते। ANM और आशा की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम चल रहा है, सारे वर्कर वहाँ लगे हैं और आंगनवाड़ी का भी कुछ जगह पर जहाँ पर सहयोग लिया जा रहा है, तो वो मिशन इंद्रधनुष भी प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में है, इसलिए वो लोग आज शायद यहाँ पर। सर सवाल नंबर तीसरा, महिला एवं बालिकाओं के साथ तो समस्त भाव के संबंध योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के विषय में जागरूकता शिविर लगना था, वो नहीं हुआ? प्रधानों के लिए जी वो ब्लॉक स्तर से हो रहा है, शहरी क्षेत्र में तो यहीं पर इस तरह के गोष्ठी का ही आयोजन नहीं, ब्लॉक में ही होना था सर। तो ब्लॉक में हो रहा होगा और यहाँ सर कहीं नहीं हो रहा। किस ब्लॉक की बात कर रहे हैं? मैं इसी की बात कर रहा हूँ, यहीं होना था आज। किस लोग किन को पार्टिसिपेट करना था? महिला एवं बालिकाओं के सहायतार्थ समस्त भावों के संबंध योजना की जानकारी प्रदान करने के विषय में जागरूकता समय लगना था, शिविर लगना था या शिविर? शिविर तो हम कंटिन्यूस कर रहे हैं ना, क्या आज यहाँ नहीं है तो कहीं और होगा? इसके बारे में क्या कहना है? ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये अभियान जो शासन की तरफ से चल रहा है, ये बहुत सुखद अनुभव है। इससे कम से कम क्षेत्र में ये जा रही है सूचना कि कम से कम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जो भी आगे अनुपात जो लिंगानुपात जो भेद आ रहा है उस पर कम से कम कुछ तो असर पड़ेगा।